एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े तिरंगा पार्क के यहाँ पर। आज यहाँ पर जो है CITU द्वारा इन सपोर्ट ऑफ नेशन वाइड किसान मजदूर हड़ताल एंड ग्रामीण बंद अगेंस्ट एंटी फार्मर एंड एंटी मजदूर पॉलिसीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट मास प्रोसेशन एंड रैली। आइए इसी विषय को लेकर CITU के जनरल सेक्रेटरी, तो आइए हम चंद्रचूरन जी से बात करेंगे और इसके बारे में हम जानते हैं। बताइए सर। आप सबको मालूम है पूरा देश भयवाने पर आज ग्रामीण बंद और इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक और जो ग्रामीण बंद में पूरा देश का जो मजदूर और किसान भाग ले रहा है। यहाँ अंडमान में खाली BSNL का मजदूर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आज स्ट्राइक में है। सुबह से वो लोग स्ट्राइक में बैठा है और दूसरा कोई सेक्टर में स्ट्राइक नहीं है। हम लोग जो देशव्यापी आंदोलन को समर्थन करते हुए हम लोग इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। यहाँ से सारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में जो रैली और धरना का आयोजन किया, अभी डिगलीपुर से लेके कैंबलबे तक इसका आयोजन किया है। तो आपको मालूम होगा जो मोदी सरकार जो 2014 में जब सत्ता में आने के लिए जो वादा किया था, जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा और 15 लाख रुपया सबका जो अकाउंट में गिरेगा, ये वादा करके आया था और बहुत से वादा किया था सामान का दाम कम करेगा। ये 9 साल का बाद भी कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अभी जो है जो हर दिन सामान का दाम बढ़ते जाता है, हर दिन जो है जो मजदूरों को नौकरी से चटनी हो जाता है, पब्लिक सेक्टर बंद करते जाता है और प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब का गारंटी नहीं है। ऐसा स्थिति में जो देश का अंदर अभी बहुत से कानून, नया कानून पास किया, उसमें आपको मालूम होगा किसान का 3 कानून जो बनाया था, वो लोग बहुत स्ट्राइक करने के बाद में आपको मालूम है इतना बड़ा आंदोलन के बाद जो है वो लोग को वो एग्रीमेंट किया, लेकिन वो भी लागू नहीं किया। मजदूर का जो लेबर कोड जो है वो भी पास करके रखा है, नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, तो भी वो भी अगर लागू हो गया तो ट्रेड यूनियन करने का राइट ख़त्म हो जाएगा और जो मजदूर को 8 घंटा काम करने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा और जो है 12 घंटा काम करने पड़ेगा। ऐसा कानून जो पास कर दिया है और नोटबंदी से लेके सारा जो मजदूर और किसान का विरोध में ये सरकार जो काम किया, इसका खिलाफ में पूरा एजिटेशन आंदोलन चले रहा और आखिरी में जो अभी CITU और किसान सभा दोनों मिलके जो है पूरा देशव्यापी आंदोलन करने का डिसीजन लिया। वो दिन से ये आंदोलन चल रहा है, तो आज उसका परिसमाप्ति में जो है हमारा जो ग्रामीण बंद और इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्राइक जो है चल रहा है। तो ये स्ट्राइक इसमें जो पूरा देश का अंदर अभी तो खबर आ रहा है, तो जिस तरीक़े से मोदी सरकार का नीति को बदलेगा नहीं, जो उसका नीति को परिवर्तन करने के लिए ये स्ट्राइक है, अगर नहीं तो ये स्ट्राइक आगे चलते रहेगा। अभी जो हाल ही में जो आपको मालूम हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑर्डर, जो देश के अंदर इतना घबला चला है, 5,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया मोदी सरकार जो ऐसा दे लिया है इलेक्शन के नाम पर, इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम पर, उसके ऊपर में अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सारा पब्लिक को मानने मालूम होने का अधिकार है, उनको ये जानकारी मिलना है। उसके लिए अभी आज सुना है कांग्रेस का फंड को रुक गया और उसका बाद जो है लोग दरखास्त करने के बाद जो है उसको खुल गया। लेकिन जो देश के अंदर इतना बड़ा घबला हुआ, अगर आप सोचो 500 करोड़ रुपया जो एक करोड़ का ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता एक कैंडिडेट, अगर 5,000 करोड़ रुपया लेने के बाद अगर एक इलेक्शन में 540 MB है जो 540 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता, बाकी पैसा क्या होगा? तो अभी तो हिसाब देने पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो गवर्नमेंट आज का जो ये स्ट्राइक से जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलना चाहिए और जो पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए और जो
नौकरी मिलने के लिए और जो मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए, ऐसा जो है ये आज का जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक जो आने वाला दिन में जो है, अगर मोदी सरकार अगर ठीक से नहीं करेगा आज आगे ये लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद सर। और अभी जो है यहाँ से करीबन 4 बजे जो है यहाँ से एक रैली निकलेगी जो तिरंगा पार्क से होते हुए सर कहाँ तक जाएगी, और इसके बारे में भी ज़रा बताइए। जो हम लोग यहाँ तिरंगा पार्क से निकलेगा, जो लाइट हाउस होके उधर से घंटाघर होके मिडिल स्कूल घंटाघर होके वापस यहाँ पर आके पब्लिक मीटिंग में तब्दीली हो जाएगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं CITU के समर्थन में। आज के समारोह के अध्यक्ष और CITU के अंडमान निकोबार राज्य समिति के अध्यक्ष कॉमरेड आर सुरेंद्र पिल्ले, CITU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड बी चंद्रचूड़न, अन्य नेतागण या उपस्थित मेरे साथियों और दोस्तों, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक मजदूर और किसान मिलकर के आज के दिन मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीति के खिलाफ में एकजुट होकर के अभियान छेड़ा है। भाई और दोस्तों, पिछले कई सालों से केंद्रीय सरकार के गलत नीति के कारण जो मजदूरों को जो तकलीफ उठाना पड़ा, किसानों को जो तकलीफ उठाना पड़ा, उसका विरोध में कई राज्यों में पूरा भारत में इसी तरह जो है आंदोलन करके आया। आज जो है पूरा भारतवर्ष में किसान और मजदूर मिलकर के अंडमान निकोबार का ये टापू में भी केंद्रीय सरकार के गलत नीति के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। भाई और दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ CITU का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरा भारतवर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म, सारे ट्रेड यूनियन मिलकर के कर रहे हैं। BMS को छोड़ करके जितना भी जो ट्रेड यूनियंस है हमारे देश में, उनका प्रोग्राम है, लेकिन अंडमान में दुख का बात है CITU ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ INDUC है, लेकिन INDUC कोई प्रोग्राम में नहीं आ रहा है। INDUC का प्रेसिडेंट है माननीय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी है। हमने पिछले कई सालों से जब जब ट्रेड यूनियन का जो संयुक्त प्रोग्राम हुआ, तब तक हम लोगों ने उनको लेटर दिया, आप आइए, ये केंद्रीय सरकार के गलत नीति के वजह से अंडमान निकोबार का मजदूरों को भी परेशानी हो रहा है, इसका खिलाफ में हम लोग जॉइंटली प्रोग्राम करेंगे। लेकिन कुलदीप राय शर्मा INDUC ये जॉइंट प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज अंडमान निकोबार में लाल झंडा लेकर के CITU ये प्रोग्राम अपना तरफ से किया। एक्चुअली सारा जगह में, सारा राज्यों में ये जॉइंट प्रोग्राम INDUC CITU AITC सब मिलके कर रहे हैं। भाई और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद में जो मजदूरों के खिलाफ में जो जो कर सकता है वो कर रहा है, जितना भी जो लेबर कानून है वो मजदूर का फेवर वाला, मजदूर का भलाई के लिए ब्रिटिश जमाना से लेकर के जो बनाया वाला कानून, वो सारा कानून को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कोविड के टाइम में 4 लेबर कोड लेके आया था, 26 जो है लेबर कानून, वो पहले से चल के आया वाला लेबर कानून बंद करके पार्लियामेंट में 4 लेबर कोड पास कर दिया, लेकिन ट्रेड यूनियन का विरोध का वजह से वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में अगर सत्ता में आएंगे
ये लेबर कानून लेबर कोड इम्प्लीमेंट करेगा। आज तक हम मजदूर जितना जो बेनिफिट जो एंजॉय किया था, जो भी सहूलियत हमें मिला था, सारा चीज निकालेंगे, सारा चीज चले जाएगा। लेबर कोड से लेकर के मैटरनिटी लीव से लेकर के लेबर कमिश्नर का पास जाने का जो हमारा जो अधिकार है, और यह मीटिंग करने का अधिकार है, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का अधिकार है, सारा अधिकार एक एक करके छीनने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए पूरा भारतवर्ष में आज का दिन जो है ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन चल रहा है। भाई और दोस्तों, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद में एक एक करके पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक एक करके बिक्री कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार एक भी नया से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं तो कोई कारखाना नहीं बनाया। जो पहले से आजादी के बाद में जितना नया पब्लिक सेक्टर बनाया था, एक एक करके उसको तोड़ने के लिए, उसको बंद करने के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। एक एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम आउटसोर्सिंग कैशुअल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध में भी अंडमान निकोबार सहित पूरा भारत में जो है आज का दिन मजदूर वर्ग जो है इसका खिलाफ में जो है आंदोलन चला है। भाई और दोस्तों, इसके बाद में प्राइस राइज के खिलाफ में सामान का दाम बढ़ते जाता है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के पहले 2014 का इलेक्शन के टाइम में उन्होंने वादा किया था, अगर हम सत्ता में आएंगे 100 दिन के अंदर में हम सारा सामान का दाम कम करेंगे। कौन सा चीज का दाम कम कर दिया भाइयों? पेट्रोल का दाम 50 रुपया वाला पेट्रोल आज 110 रुपया मेलन में, जो एलपीजी का दाम 450 रुपया था वो 1200 रुपया पहुंच गया। हर डाल आम आदमी खाता वाला डाल है, वो डाल का दाम 70 रुपया था नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के टाइम में, अभी 200 रुपया पहुंच गया। यही है इनका राज, इनका वादा कहां चली गया भाई और दोस्तों? इसका विरोध करना चाहिए। इसका विरोध सिर्फ लाल झंडा लेकर के हम कर सकते हैं, हम मजदूर कर सकता है, बाकी लोग कोई नहीं करेंगे। भाई और दोस्तों, अंडमान निकोबार की स्थिति देखिए, यहाँ का मजदूरों का रेगुलराइजेशन का आपको कॉमरेड बी चंद्रजीवन बताएंगे आपके सामने। यहाँ कोई नौकरी क्रिएट नहीं कर रहे, ये सरकार आने के बाद में 14,000 पोस्ट वैकेंट था। हम लोग लड़ते थे ट्रेड यूनियन का तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से, सीपीएम का तरफ से, ये पोस्ट फिलअप कर दीजिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आके 7 साल हो गया, एक बार भी वो बोला नहीं है कि पोस्ट फिलअप करना करके। अभी नरेंद्र मोदी को रोजगार मेला चलाना है, उसके लिए जो है रोजगार मेला चलाने के लिए जल्दी जल्दी मिशन मोड में 2-3 हजार पोस्ट एडवर्टाइज किया, वो 3 हजार पोस्ट फिलअप नहीं कर रहे, 2 हजार से नीचे पोस्ट फिलअप करने के लिए जा रहे, वो फिलअप करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने से मालूम होएगा कितना फिलअप होएगा करके। नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद में एक भी नया नौकरी इधर में क्रिएट नहीं हुआ, पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में बैन लगाया है, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडस्ट्री इधर में नहीं बनाया, एक कॉल सेंटर भी अंडमान निकोबार में उन लोग बनाया नहीं है, आईटी इंडस्ट्री लेके आने के लिए कोशिश नहीं किया। भाई और दोस्तों, ये सरकार अंडमान का नौजवानों का खिलाफ में है, अंडमान का नौजवानों को नौकरी देने के लिए ये सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई और दोस्तों, हमारा या बाकी हालत क्या है? पानी नहीं मिल रहा इधर में, 10 दिन में एक बार पानी दे रहे नरेंद्र मोदी, 10 साल हो गया सत्ता में, उसका पहले कांग्रेस का राज थे, पानी 10 दिन में एक बार पिछले साल हो गया, अभी कटौती होने वाला है। इनका हर क्षेत्र में ये सरकार जो है असफल हो गया, एक भी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है ये बता सकता है नरेंद्र मोदी का सरकार अंडमान निकोबार में सफल हो गया, एक भी क्षेत्र नहीं है। भाई और दोस्तों, करप्शन इधर में बढ़ रहे, भ्रष्टाचार बढ़ते जाता, जितना भी जो ऑफिसर आते हैं मेलन से, वो आईएएस का, वो दानिश का, वो
कई लोगों के खिलाफ में करप्शन का एलिगेशन है, उसका बारे में जांच होता नहीं है। या म्युनिसिपालिटी में करप्शन है, 24 काउंसिलर से इधर में पूरा 24 काउंसिलर से घूमने के लिए गया मेनलैंड में, कितना करप्शन हो रहा है। यह अंडमान निकोबार में कोई ईडी नहीं आ रहे, कोई ईडी नहीं आ रहे, कोई इंडियन टैक्स के लोग नहीं आ रहे। बाकी सारा जगह में इंडियन टैक्स का ऑफिस को भेजता है ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ने के लिए, और ईडी को भेजता, इंडियन टैक्स को भेजता, एंटी करप्शन सीबीआई का एंटी करप्शन को भेजता। क्या अंडमान का सारे लोग जो है इधर में जितना जो करप्शन करते थे, जो रातों रात क्या खत्म कर दिया, करप्शन भ्रष्टाचार करना बंद हो गया, क्यों इधर में ईडी नहीं आता? ये सोचने का बात है। हमारे एमबी साहब इसके खिलाफ है। ये सब समस्या को लेकर के आवाज उठाने के लिए फील्ड में नहीं उतरते एमबी साहब काली चिट्ठी लिखता है, उनका स्टेटस क्या है आज भी पता नहीं है। अभी वो कौन सा पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में है? कई यूट्यूब में मीडिया में आया वो बीजेपी में जाने वाला है। कई कांग्रेस वाला मेरे को बोला भाई वो जाने दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक जो इसका डिस्प्यूट नहीं किया वो नहीं जाता करके, बीजेपी आज तक नहीं बोला हमारा पार्टी में नहीं जाता करके, कुलदीप राय शर्मा खुद बोला नहीं है कि हम बीजेपी में नहीं जाता, या सपोर्ट कर रहे गवर्नमेंट को हर इशू में सपोर्ट कर रहे, या फॉरेस्ट वर्कर्स लड़ रहे उनका मांगों को लेकर के, या नगर पालिका कर्मचारी लड़ रहे उनका मांगों को लेकर के, आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स लड़ रहे, कोई एजिटेशन में कुलदीप राय शर्मा को दिखाई नहीं देता। हम लोगों ने उनको बोला यहाँ पोस्ट खाली, आप निकलिए, आप आंदोलन के लिए आ जाइए, हम लोग आपको समर्थन करेंगे, लेकिन कुलदीप राय शर्मा आने का तैयार नहीं है, ये सरकार के खिलाफ में बात करने का तैयार नहीं है। इसलिए जो है सीआईटीयू और लाल झंडे वाले जो लोग है रिकलीपुर से लेकर के कैंप बलबेते का आज इसी तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सरकार का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का नीतियों के खिलाफ में आज ये प्रोग्राम इधर में ऑर्गेनाइज किया। ये प्रोग्राम में आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं ले रहे, और भी लोग आपसे संबोधित करने का है। ये प्रोग्राम में इधर में आने के लिए सीआईटीयू का अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी का ओर से आप सभी लोगों को अभिनंदन पेश करते हुए हम समाप्त करता हूँ। इंकलाब सिंधा अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।